अजमेर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोहली आज कलेक्ट्रेट पहुंची और उन्होंने पर्वतपुरा क्षेत्र में घनी आबादी के बीच नाला और सड़क बनाने के लिए गरीबों के मकान तोड़ने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए ज्ञापन सौंपा। द्रौपदी कोहली ने बताया कि पर्वतपुरा इलाके में स्थित कच्ची बस्ती में कई सालों से लोग निवास कर रहे हैं, लेकिन वो माफियाओं के रहते पहुंचने के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण वहां से एक बड़ा नाला निकाल रहा है, उसके बाद सड़क का निर्माण भी किया जा रहा है। वही रहने वाले लोगों को मकान तोड़ने के लिए उन्हें नोटिस भी दे दिया गया है, जिसके कारण स्थानीय लोगों में भय का माहौल है और वह काफी परेशान इस समस्या को लेकर आज वह कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इस मामले में समाधान की मांग की है। उन्होंने कहा कि उसे क्षेत्र में काफी जगह से नाला और सड़क बन सकता है, लेकिन गरीब परिवारों को परेशान किया जा रहा है, जिससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगामी कदम उठाया जाएगा। आज हमने ज्ञापन दिया पर्वतपुरा पर, लोगों की गरीब लोगों की बस्ती है, ये नाला और सड़क बनाने के नाम पर उनके मकानों पर आधे आधे मकानों पर चिन्हित करके आ गए और उन गरीबों के अंदर दहशत बैठ गई कि हमारे आधे आधे मकान टूटेंगे, क्योंकि गरीब लोगों ने बेचारों ने एक के दो कमरे बना रखे, जबकि उनकी खातेदारी की ज़मीन है। ऐसा नहीं कि नाले में बना रखे, नाले में बनाओ तो हम तुड़वा देते, लेकिन उनकी खुद की खातेदारी की ज़मीन है। 60 से 70 साल से वो लोग रह रहे हैं और नाले के लिए ज़मीन बहुत बड़ी है और वहाँ पर सड़क भी बहुत ज़्यादा है और आराम से सड़क बना सकते हो, नाला भी बना सकते हो, लेकिन कुछ भूमापियों को फ़ायदा देने के लिए एडीए ने ये काम किया। तो हम लोगों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब ने कहा इसके ऊपर शीघ्र ही मैं देख कर और उस काम को रुकवाऊंगा, कार्रवाई नहीं होगी तो आगे कार्रवाई नहीं होगी तो आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे और क्या। कम से कम नहीं तो 100 मकान है वहाँ और 100 लोग